पिछले लोकसभा चुनाव में आपने नीतीश कुमार के पक्ष में प्रचार किया है, तो नीतीश कुमार की कुछ तो अच्छी बातें रही होंगी जो आपको अच्छी लगी, तभी आप उनके लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने उतरी। सब लोग जानते हैं कि मेरे पति पिछले 14 साल से जेल में हैं निर्दोष रहते हुए। उसी जब वो जेल में गए थे हम लोग सब थे, तो यही नीतीश कुमार जी सीएम नहीं थे, जो वर्तमान सरकार है, ये धरना पर हमारे पक्ष में बैठे थे और बोले थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी बैठे थे धरना पर, तमाम लोग, सुशील मोदी भी बैठे थे, और उस समय मेरे पति निर्दोष थे। जब हम लोग सीएम बनाए, जब उनको गद्दी पर बैठाए, तो वो दोषी हो गए, तब हो गया कि कानून काम कर रहा है। आप लोग तो पिछले बार नहीं, पिछले बार जो है जो भी हम लोग करते हैं जनता के हित में करते हैं, बिहार के हित में फैसला लेते हैं। जब वो बोले, ये भी मंच से भी बोले कि आनंद मोहन जी को रिहा करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, बिहार में आपको मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, नीतीश कुमार आश्वासन नहीं दिए, मतलब कि वो मंच से घोषणा किए, मधेपुरा के मंच से घोषणा किए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कथनी और करनी में यहाँ बहुत फर्क है। आपके आपके समर्थक यहाँ पर हैं, आपके समर्थक यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा यहाँ समय दें। मोहन जिंदाबाद, ठीक है। तो ये जो दीवारी जगह है, एक मिनट, ये जो दीवारी जगह है, यहाँ पर दौरा करने के लिए लवली आनंद जी पहुंची है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। आप भी एक महिला है, आप बताइए क्या चाहती है, बिहार में महिलाओं की सूरत कैसे बदलेगी, स्थिति मजबूत कैसे होगी? लालू को हम लोग वोट देंगे, बिहार का हम लोग नक्शा बदल देंगे। इस बार तो चेहरा लवली आनंद है, लालू मोहन लालू लालू को वोट देंगे, हम लोग लालू जी को वोट देंगे। ये दुशासन की सरकार को घटाइए आप, दुशासन बाबू जो है ये इनके पेट में दर्द बहुत ज्यादा है। इन्होंने महिलाओं के लिए शराबबंदी लागू किया, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं सब महिला दुख में मर रही है, कहीं रोड पेरा नहीं है, घर घर दारू बिकता है, सुरक्षित है। आपको किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं, आनंद मोहन को छुड़ाने बिहार के लिए, बिहार में के लिए हम लोग कितना कुछ किए हैं, कितना कुर्बानी दी है बिहार में, सबका ये विकास हो, सही माने में विकास हो, अन्याय अत्याचार अपराध का खात्मा हो, भ्रष्टाचार घुसखोरी का खात्मा हो, इसके लिए आनंद मोहन कब के लिए आए हैं, और आनंद मोहन मुद्दा पर हैं। बाकी लोगों का मुद्दा बदलता है तब जाके हम पार्टी उटी नहीं छोड़ते हैं। कोई बात हुई है अंदर से, कोई बात हुई है कि आनंद मोहन छूटे? बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के लिए, समर्थक के लिए जो भी करना होगा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जो कि इस बार सहरसा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। कहना तो उनका यह है कि भले इसके पहले मैंने कई पार्टियां चेंज की हों, लेकिन इस बार जो है वो फोकस बिहार के विकास पर है, बिहार की महिलाओं के विकास पर है, और बिहार की जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करने पर फोकस है। देखते हैं लवली आनंद अपनी कहीं भी बात पर कायम हो पाती है नहीं, और उससे भी बड़ी बात, यहां की जनता उन पर विश्वास कर पाती है नहीं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।